एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार बीजेपी की बन रही है, क्या कुछ कहेंगे? एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार तो हमारी बन रही है, वैसे भी हमारी बनेगी, वो तो पहले से मालूम था, पूरा देश को भी मालूम था, और हम कितना मिलने वाला है अभी कल हम सबको मालूम पड़ जाएगा। बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार वापस आ रही है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सबसे एक बड़ी खुशी की बात है। मोदी जी ने हमारे भाषण में कहा था कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो एग्जिट पोल भी 400 पार दिखा रहा है। 400 पार दिखा रहा है एक्चुअली टू इंस्पायर करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को कि काम सब लोग मेहनत करें, ऐसा नहीं, ऐसा ना समझे कि मिल जाएगा वैसे जीत जाएंगे, ये सबका ऐसा एक दिमाग में था, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए एक नारा भी होता है, ये एक एक टारगेट रखने से उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। अखिलेश और राहुल ने कहा है कि ये मोदी मीडिया का पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। देखिए जब कोई हारने लगता है तो दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि कुछ गड़बड़ किया है इसके लिए वो जीत गया है, असल में देख लीजिए उनको भी मालूम है, एक्चुअली राहुल गांधी को भी मालूम है, अखिलेश जी को भी मालूम है कि मोदी जी ने कितना काम किया है जिसकी वजह से उनको वोट मिल रहा है, ऐसे थोड़ी पब्लिक लोग दे देंगे कुछ कोई किसी को भी वोट। सोनिया गांधी ने पहली बार बयान जारी किया है आज कि प्रणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएगा, ना अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हम लोग जीत रहे हैं और कल अच्छा सा रिजल्ट आएगा, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तीसरी बार मुझे भी मथुरा से बहुत अच्छा। तीसरी बार संसद में पहुँचने पर आप मंत्री बनती हैं तो मथुरा के लिए क्या खास रहेगा? मंत्री बने का मुझे कुछ मालूम नहीं, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, उसे भी अपना लेंगे, कभी हम पीछे हटे नहीं, हर चीज़ पे आगे बढ़ के, मैंने मालूम है नहीं मालूम है लेकिन सीख के मैं कर लेती हूँ, तो उसमें मुझ में इतनी क्षमता है। तो मथुरा के लिए कुछ खास करने प्लान रहेगा? मथुरा के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। अच्छा, देश की जनता ने बहुत प्यार दिया आप लोगों को, उनको कुछ कहना चाहिए? लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, गर्मी में भी बहुत प्यार दिया। कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगी उन्हें? शुभकामनाएं, धन्यवाद बोलेंगी? शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितने लोगों ने वोट दिया, नहीं वोट दिया, जितने मन से दिल से भी चाह रहे थे लोग, जैसे धर्म जी हमेशा मेरे से पूछते रहते मोदी जी जीत जाएंगे ना, उनको एकदम टेंशन भी होता था, तो इट इज़ वेरी स्वीट ऑफ उनके जैसे कितने लोग हैं हमारे देश में जो बहुत प्यार करते हैं मोदी जी को, तो उनका सबका ब्लेसिंग तो होता ही है, मिलेगा ही मिलेगा।